खबर आजमगढ़ जिले से, जहां पेट 2023 परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि आजमगढ़ के थाना कोतवाली पुलिस ने पीईटी परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। बता दें कि 29 अक्टूबर को शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ के केंद्राध्यक्ष जैद नूरुल्लाह पुत्र स्वर्गीय अब्दुल अली निवासी ग्राम बड़हरिया थाना निजामाबाद व उप निरीक्षक मेहरे आलम ने शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया कि शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ में पीईटी परीक्षा 2023 में विकास यादव पुत्र अवधेश यादव के स्थान पर अन्य व्यक्ति मुकेश कुमार पुत्र चुनचुन शाह ग्राम सोनवर्षा पोस्ट थाना सिंधवलिया जिला गोपालगंज बिहार परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है, जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। केंद्र अध्यक्ष जैद नूरुल्लाह द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार को थाना स्थानीय के सुपुर्द कर दिया गया है, जिसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ के केंद्राध्यक्ष जैद नूरुल्लाह और उप निरीक्षक मेहरे आलम द्वारा पीईटी परीक्षा 2023 के दौरान पकड़े गए अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र चुनचुन शाह, जो कि बिहार का रहने वाला है, उसे कोतवाली में 3:10 पर सुपुर्द कर दिया गया। 2023 के अंतर्गत 29 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा में सिबली नेशनल इंटर कॉलेज में ये परीक्षा हो रही थी। यहाँ पर एक फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी की गई है, जो विकास कुमार यादव के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। इसका नाम मुकेश कुमार है, बिहार का रहने वाला है। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। इसमें FIR पंजीकृत की गई उचित धाराओं और अभियुक्त कार्रवाई। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।